हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। सोशल मीडिया वो एक शय है जहां प्रति सेकंड की दर से बातें कही जा रही हैं और इन बातों का न कोई ओर है न कोई छोर। वायरल होना अब तक इंसानी शरीर तक ही सीमित था, लेकिन अब कंटेंट भी वायरल हुआ करते हैं। और ऐसे ही एक वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सगे और चचेरे भाइयों ने प्रधानमंत्री के पद का फायदा उठाते हुए खासी कमाई की है। ये मैसेज ट्विटर और फेसबुक के साथ ही व्हाट्सएप पर भी वायरल है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर विनय कुमार दुकनिया इस मैसेज को शेयर करने वालों में शामिल थे। उन्होंने लिखा, मोदी परिवार के बारे में दिलचस्प लेकिन अनसुनी बातें। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि शायद विनय कुमार दुकनिया जी को यह मालूम चल गया होगा कि वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं सब बकवास है और उसमें सच्चाई की मात्रा जरा भी नहीं है। इससे पहले कि हम फैक्ट चेक की ओर बढ़े, पहले सरसरी तौर पर आपको बता दें कि आखिर इस मैसेज में लिखा क्या है। वायरल मैसेज में नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में दावे किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि 75 वर्ष के सोमभाई मोदी अब गुजरात में रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वहीं उनके छोटे भाई 58 वर्षीय पंकज मोदी रिक्रूटमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। मैसेज में आगे कहा गया है कि 64 साल के प्रहलाद मोदी अहमदाबाद और वडोदरा में कार शोरूम्स के मालिक हैं। प्रधानमंत्री के चचेरे भाई और चाचा के पास काफी सारा धन है, ऐसा दावा भी किया गया है। ये सारे दावे गलत हैं। शुरुआती रिसर्च में हमें पता चला कि इंडिया टुडे मैगजीन ने 2016 में नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में एक फीचर स्टोरी पब्लिश की थी। इसे इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर उदय माहुरकर ने लिखा था। उदय माहुरकर हाल ही में भारत सरकार के सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इंडिया टुडे की स्टोरी में प्रधानमंत्री के परिवार की विनम्र पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया था, जो कि उनके सत्ता में आने के बाद भी ज्यों की त्यों बरकरार है। आर्टिकल में छपी तस्वीरें अहमदाबाद में रहने वाले इंडिया टुडे के पूर्व मुख्य फोटोग्राफर शैलेश रावल ने खींची थी। ऑल्ट न्यूज ने इन दोनों लोगों से बात की। उदय माहुरकर ने कहा कि वो इस स्टोरी में लिखी हर एक बात पर कायम हैं और रहेंगे। शैलेश रावल ने बताया कि नरेंद्र मोदी के परिवार को वो एक पत्रकार की हैसियत से जानते थे। चूंकि निजी तरीकों से वो नहीं जानते थे, इसलिए वो ये तो नहीं कह सकते कि सभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी नरेंद्र मोदी के परिवार के लोगों से जो भी बातचीत हुई उसके आधार पर उन्हें नहीं लगता है कि वायरल हो रही इस मैसेज में कोई सच्चाई होगी। इंडिया टुडे में यह स्टोरी 2016 में छपी थी। 2017 में इंडिया टुडे की जानकारी को एक लिस्ट का रूप देते हुए मोदी नामा नाम के एक फेसबुक पेज ने पोस्ट किया था। फिलहाल वायरल हो रहा मैसेज इसी लिस्ट का एक दूसरा वर्जन दिख रहा है, जिसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। यहां यह जरूर गौर करिएगा कि 2017 में जो जानकारी शेयर की गई और वायरल मैसेज को कंपेयर किया जाए तो 3 साल गुजरने के बावजूद नरेंद्र मोदी के परिवार वालों की उम्र में कोई अंतर आया नहीं दिख रहा है। झूठी जानकारी फैलाने वालों से ये एक बड़ी चूक हो गई। चूक और भी हुई है। मसलन ये कहना कि सोम भाई मोदी गुजरात में रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं अपने आप में मिसलीडिंग मालूम देता है। किसका रिक्रूटमेंट बोर्ड? क्योंकि हर राज्य में विभिन्न विभागों के अपने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं और यहां कुछ भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। हमने सर्च करने के अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं भी नहीं दिखा कि कोई सोम भाई मोदी किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हो। यही हाल उस दावे का भी हुआ जिसके अनुसार प्रहलाद भाई मोदी के पास अहमदाबाद और वडोदरा में ह्युंडई, मारुति और होंडा शोरूम्स हैं। हमने अहमदाबाद और वडोदरा में इन कंपनियों के शोरूम्स पता किए और दोनों कंपनियों के ऑथराइज डीलरशिप्स के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि प्रहलाद मोदी किसी भी शोरूम के मालिक नहीं है। इसके अलावा अमृत भाई मोदी के बारे में भी बताया गया कि वो अहमदाबाद और गांधीनगर के सबसे बड़े रियल स्टेट बिजनेसमैन हैं। हमें इंटरनेट पर इनके बारे में भी कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगभग नामुमकिन है कि इन दो बड़े शहरों में सबसे बड़ा रियल स्टेट का कोई बिजनेसमैन हो और इंटरनेट पर उसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद ना हो। इस मैसेज में और भी कई दावे किए गए हैं। इन सभी की हमने बारी बारी से जांच की और एक भी दावा सही मालूम नहीं पड़ा। कुछ दावे तो इतने वेग थे कि उनकी जांच करना भी लगभग नामुमकिन है। आप इस पूरे फैक्ट चेक को डिटेल में हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जाकर पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में सहूलियत है तो altnews.in ही काफी रहेगा। ऐसी और भी रिपोर्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देकर हमें बेहतर बनने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि गलत जानकारियों से लोगों को बचाया जा सके। ऑल्ट न्यूज़ पर यूं ही भरोसा बनाए रखें। आपका भरोसा हमारी ताकत। शुक्रिया।